दोस्तों फ्रेंच निर्माता कंपनी रेनॉल्ट्स इंडिया सब कॉम्पैक्ट एमपीवी यानी कि जो आपकी ट्राइबर है उसको भारतीय बाजार में हर वर्ग की पसंद बनने के कारण एक बड़ा सरप्राइज उसके लिए लेकर आने वाली है। वीडियो पूरी देखिएगा, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए YouTube टेक्नो को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जब से ट्राइबर जो है लॉन्च हुई है तब से बहुत ज्यादा जो है इस गाड़ी ने नाम कमाया है बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस और इसके शानदार लुक की वजह से। एक अच्छी 7 सीटर वो भी 5 लाख रुपए से शुरू होने वाली पहली बात तो नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर, और जब आई है तो उसको जो कस्टमर्स है इंडियन ऑटोमोबाइल्स के उन्होंने हाथों हाथ ले लिया है। और उसका कारण ये रहा है दोस्तों, मैं आपको छोटा बता दूं कि कंपनी ने बीते 2 महीने के अंदर तकरीबन 10,000 रेनॉल्ट्स ट्राइबर जो है वो डिलीवर कर दिए हैं। दोस्तों आंकड़े बताते हैं, 7 सीटर जो गाड़ी है लोगों की बहुत ज्यादा पसंद आने वाली गाड़ी बन चुकी है और इसी सफलता से उत्साहित होकर उसको बनाने के चक्कर में जो है कार का ऑटोमेटिक वर्जन जो है वो कंपनी लॉन्च करने वाली है। खबरों के मुताबिक दोस्तों रेनॉल्ट्स ट्राइबर का AMT वर्जन इस साल जनवरी में आ सकता है और कंपनी ने वैसे भी रेनो MPV जो है मल्टीपर्पज व्हीकल उसको बोलते हैं पिछले साल ही अगस्त में लॉन्च किया था और अगस्त से सिर्फ जनवरी चल रहा है। तो दोस्तों जनवरी तक ही इतना ज्यादा इस गाड़ी को जो फेमस हुई है, इतनी ज्यादा लोकप्रियता जो इस गाड़ी को मिली है उसको एक माइलस्टोन जो है वो कहा जा सकता है रेनॉल्ट्स इंडिया के लिए। दोस्तों भारतीय बाजार में सस्ती कारों को वैसे भी काफी पसंद किया जाता है। मैंने इस गाड़ी का दोस्तों रेनॉल्ट्स ट्राइबर का टेस्ट ड्राइव भी बनाया है और इसका वॉक अराउंड भी बनाया है। आप आई बटन पर जाकर आप इस गाड़ी को देख सकते हैं, आई बटन पर जो लिंक है आपके स्क्रीन पर है आप उस पर देख सकते हैं कि गाड़ी कुछ किस तरह की दिखती है। दोस्तों बता दूं ये कार 7 सीटर में आने वाली सबसे सस्ती MPV है और इसके चलते इसने कम वक्त में भी बहुत ही कम वक्त में मार्केट में अपना दबदबा जो है वो बहुत अच्छे से बना लिया। रेनॉल्ट ने इस नए मल्टी व्हीकल पर्पज में रियर पार्किंग सेंसर्स दिए हैं, स्पीड लिमिट अलर्ट दिए हैं और सभी सीट्स के लिए 3 पॉइंट जो सीट बेल्ट होते हैं, रिवर्स कैमरा है और आपको जो स्टेबिलिटी कंट्रोल्स हैं वो सब चीजें दोस्तों इसके अंदर दी गई हैं। मैं आपको बता दूं 625 लीटर की बूट स्पेस इस गाड़ी को मिलती है और वो तब मिलती है जब आप पिछले वाली सीट को हटा देते हैं। वैसे बता दूं ट्राइबर की तीसरी रो है वो पूरी तरीके से आप उसको हटा सकते हैं और अपना बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर जब कभी बड़ी फैमिली और जा रही है तो आप उसको जो सीट्स को लगाकर उसमें फिर उसको 7 सीटर जो है क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सीट गाड़ी को आप 5 सीटर या फिर 7 सीटर अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अगले हिस्से में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है और साथ में कंसोल भी इसका डिजिटल ही है, साथ ही स्टार्टअप और जो बटन होता है स्टार्टअप बटन वो भी इस गाड़ी के लिए अंदर जो है एंट्री लेवल के साथ ही दिया भी गया है। दोस्तों ऑटोलॉक फंक्शन भी इस गाड़ी के अंदर है और इसमें 1 लीटर का ड्यूल VVT सिस्टम वाला 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन दिया गया है दोस्तों, जो कि 6,250 आरपीएम पर 71 BHP की पावर और 3500 आरपीएम पर तकरीबन 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो 96 Nm का टॉर्क ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता बहुत अच्छा है, लेकिन 5 लाख में दोस्तों बहुत बढ़िया डील कही जा सकती है रेनॉल्ट्स ट्राइबर को। दोस्तों बता दूं कार ने इसमें 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और टॉप वेरिएंट में, और उससे नीचे की बात करूं तो वहां पर आपको 14 इंचेस के अलॉय व्हील्स नॉर्मल व्हील्स जो है अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, नॉर्मल व्हील्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ड्राइवर के डैशबोर्ड पर भी 8 इंच का टच स्क्रीन जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम वो दिया गया है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो नेविगेशन और USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इन सभी चीजों को सपोर्ट करता है। और सबसे लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस गाड़ी की कीमत तकरीबन 4,95,000 जो मैंने आपको बताया, तकरीबन 5 लाख रुपए से ये गाड़ी शुरू होकर सिर्फ 6.5 लाख रुपए के आसपास तक ये गाड़ी जाती है। 2020 में देखते हैं कि इसका प्राइस जो AMT के साथ आएगा उसका प्राइस रेंज कितना ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल बढ़ाने का जो फैसला है कीमत वो तो है दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है इसकी कीमत बढ़ जाए। फिलहाल RXC की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, जबकि बाकी के वेरिएंट जो हैं RXL, RXT और RXZ की कीमतें ऑलरेडी 10,000 बढ़ चुकी हैं। वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, बताइएगा कमेंट में कि कैसी लगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। दोस्तों वीडियो देखते हैं पसंद करते हैं तो सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, मोटिवेशन होता है किसी भी यूट्यूब के लिए जब उसकी जो सब्सक्राइबर्स हैं उसको कमेंट करते हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।